हेलो दोस्तों, आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है बियॉन्ड जीरो सम। बियॉन्ड का मतलब परे होता है और जीरो सम जो होता है ये एक ऐसा सिचुएशन होता है, ये खासकर गेम में होता है, ठीक है ना, जिसमें एक पर्सन का जो गेन है वो इक्विवेलेंट होता है दूसरे पर्सन के लॉस के। दैट मीन्स सो द नेट चेंज इज मतलब इन वेल्थ और बेनिफिट इज जीरो, यानी कि इसमें जो नेट वेल्थ जो है या नेट चेंज जो है वेल्थ में या बेनिफिट में वो जीरो होता है। इसका मतलब ये मत समझिए कि विन विन सिचुएशन है, यानी कि कोई एक व्यक्ति कोई ना जीतेगा ना कोई हारेगा, ऐसी नहीं बात होती है। इसका मतलब ये होता है कि व्हेन द लॉसेस आर सब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गेन्स द सम इज जीरो, यानी कि जब लॉस को जो है जो लाभ कमाया है ना उससे घटा दिया जाए तो उसका सम जो है यानी कि जो टोटल निकलेगा वो जीरो होगा, ठीक है, यानी कि जो जीतने वाला है वो तो जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है। तो ये है बियॉन्ड जीरो सम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्लियर हो गया इसके बारे में। रिच कंट्रीज मस्ट कमिट टेक्नोलॉजी एंड फंड्स टू मूव टू नेट जीरो कार्बन एमिशंस। कहा जा रहा है कि जो अमीर या समृद्ध देश हैं उनको कमिट करना चाहिए। कमिट का मतलब होता है प्रतिबद्ध या प्रतिबद्धता जाहिर करना या फिर टू प्रॉमिस टू डू समथिंग। तो उनको जो है वादा करना चाहिए कि वो अपने टेक्नोलॉजी को और जो फंड्स हैं यानी कि जो पैसे हैं वो मूव करें, वो आगे बढ़ाए, किस लिए, टू नेट जीरो कार्बन एमिशंस, यानी कि शुद्ध जीरो कार्बन एमिशंस का मतलब क्या हुआ, यानी कि बिल्कुल जो है जीरो का मतलब नथिंग या लोएस्ट, समझिए एक तरीके से यहाँ पे एक लोएस्ट पॉइंट कहिए, तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ कार्बन एमिशंस जो है वो बने, ठीक है ना। तो इसलिए जो है रिच कंट्रीज को क्या करना चाहिए या मतलब कमिट करना चाहिए टेक्नोलॉजी को भी और जो उनके पास फंड्स हैं उसको मूव करें, इसलिए तो नेट जीरो कार्बन एमिशंस के लिए। द विजिट्स ऑफ द यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल इनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी अहेड ऑफ अ लीडर्स समिट कन्वीन्ड बाय प्रेसिडेंट जो बाइडन लेटर दिस मंथ ऑन द क्लाइमेट चैलेंज हैज प्रॉम्प्टेड अ रिव्यू ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोर्स। यहां से पकड़ेंगे हम लोग, ये जो क्लाइमेट चेंज है ना चैलेंज जो है, यानी कि ये जलवायु को लेकर जो चुनौती पर जो है, यानी जलवायु चुनौती पर इस महीने के अंत में प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा बुलाई गई एक समिट यानी कि एक सम्मेलन, किसके सम्मेलन है, ये नेताओं का सम्मेलन है, मतलब कि अलग अलग देशों के नेताओं का सम्मेलन है, ठीक है ना। उसके पहले ये जो यात्रा हुई है यूएस, यूएस ना अमेरिकी स्पेशल प्रेसिडेंशियल यानी कि राष्ट्रपति के जो दूत हैं इनवॉय दूत फॉर क्लाइमेट, यानी कि अमेरिकी विशेष या विशिष्ट राष्ट्रपति दूत फॉर क्लाइमेट यानी कि जलवायु के लिए, उनका नाम है जॉन केरी। उनकी जो ये यात्रा हुई है इसने प्रॉम्प्ट किया है मतलब प्रेरित किया है, किस चीज को प्रेरित किया है, अ रिव्यू ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोर्स, यानी कि इंडिया का जो एक लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय से या दीर्घकालीन जो उसकी नीति रही है, ठीक है ना। यहाँ कोर्स का मतलब एक मार्ग हो गया एक तरीके समझिए। तो ये मतलब कि इंडिया का जो क्लाइमेट को लेकर जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी रही है, ये जो पॉलिसी कोर्स रही है उसकी समीक्षा को इसने प्रेरित किया है, किसके, मतलब यूएस प्रेसिडेंट मतलब यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल इनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन केरी की विजिट में, ठीक है ना। टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, यानी कि विकसित देशों के लिए या विकसित दुनिया के लिए इंडिया प्रेजेंट्स अ स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट, यानी कि इंडिया जो है पेश करता है एक ऐसा अध्ययन, एक ऐसा स्टडी जो कि बड़ा विरोधाभासी है। अब विरोधाभासी कैसे है वो देख लीजिए। विथ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड्स का जो उत्सर्जन है, ठीक है ना, दैट रैंक इन द टॉप 5 ग्लोबली, अगर विश्व स्तर पर देखें तो ये जो है ये 5
पांच जो बड़े बड़े देश हैं या पांच जो सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले जो देश हैं उसमें इसका रैंक आता है, ठीक है ना। पांच मतलब शीर्ष पांच देशों में, ठीक है, विश्व विश्व स्तर पर। जबकि एट द सेम टाइम मतलब मिलियंस ऑफ इट्स सिटीजन्स, हालांकि इसके जो मिलियंस ऑफ सिटीजन्स हैं यानी कि लाखों जो नागरिक हैं इनके इंडिया के, रिमेन मायर्ड, मायर्ड मतलब इंटेंजल्ड, फंस जाना किसी चीज में, मतलब कि फंसा होना एक तरीके से। मायर्ड के साथ हमेशा इन लगता है, इन एनर्जी पॉवर्टी, यानी कि एनर्जी पॉवर्टी मतलब लैक ऑफ एनर्जी, मतलब जिसके पास एनर्जी की बहुत ही कमी हो, ठीक है ना। एनर्जी मतलब यहाँ ऊर्जा, ऊर्जा के सेंस जैसे बिजली तेल वगैरह जो हुआ, जो ऊर्जा के साधन है वो जो है उनके पास, वो क्या है, वे जो है फंसे हुए हैं किस चीज़ में, एनर्जी पॉवर्टी, मतलब उनके पास एनर्जी है नहीं, यानी कि एनर्जी की बहुत ही कमी है, वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं एनर्जी को। एंड अंडर डेवलपमेंट, और क्या है, पिछड़ापन है, ठीक है। तो ये भी है आपका एक तरीके से जो है, इंडियन सिटीजन्स जो हैं आपके, मिलियंस ऑफ इंडियन सिटीजन्स हैं, उनके पास कोई लैक ऑफ एक्सेस है एनर्जी को लेकर, और अंडर डेवलप्ड है ये। और ठीक उसी समय जो है यहाँ का जो एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, वो विश्व स्तर पर जो है टॉप 5 देशों में से एक है, ठीक है, उसमें उसका रैंक है। आयरोनिकली, विडंबना वाली बात यह है कि टू मैनी स्मॉलर कंट्रीज, यानी कि ये विडंबना वाली बात है कि कई सारे जो छोटे देश हैं, ठीक है ना, जिसमें आइलैंड नेशंस भी शामिल हैं, ठीक है, जिसमें आइलैंड नेशंस भी शामिल हैं, यानी कि जो द्वीपीय राष्ट्र हैं, द्वीप वाले राष्ट्र जैसे श्रीलंका वगैरह ये सब जो हैं, तो वो भी शामिल हैं, वो हिट हुए हैं। हिट मतलब डैमेज होना या अफेक्टेड होना, प्रभावित होना बाय इंटेंस स्टॉर्म्स। इंटेंस मतलब बड़ा तीव्र स्टॉर्म्स, मतलब तूफान वगैरह से, ठीक है ना। लॉस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी, यानी कि ये जो खोया हुआ, ठीक है ना, फार्म प्रोडक्टिविटी का, या मतलब कृषि से संबंधित जो उत्पादकता है वो जो कम हो गया है उससे ये अफेक्टेड है। ड्रॉट्स सूखा से, एंड हीट वेव्स, हीट वेव्स लू वगैरह जो होता है, जो कि जुड़ा हुआ है किससे से, चेंजिंग क्लाइमेट से, यानी कि बदलते हुए जो जलवायु है उससे जुड़ा हुआ है ये, ठीक है ना। तो उससे जुड़े हुए ये सब जो हैं, हीट वेव्स हैं, ड्रॉट्स हैं, लॉस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी है, इंटेंस स्टॉर्म्स है, इससे ये सारे देश जो हैं, मतलब कि इन मतलब छोटे छोटे जो देश हैं जिसमें आइलैंड नेशन भी है, वो प्रभावित हुए हैं। तो उनके लिए जो है ये, क्या इंडिया जो है कंट्रीब्यूट्स करता है, यानी कि कंट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से वो बढ़ाता है, मतलब उस समस्या को और ज्यादा बढ़ाता है, मतलब कंट्रीब्यूट्स टू द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में उस इंडिया का योगदान है विथ इट्स टोटल एनुअल एमिशंस, यानी कि जो इनका जो टोटल एनुअल एमिशंस है, यानी कि भारत का जो संपूर्ण या समग्र जो वार्षिक उत्सर्जन है, ठीक है, उससे ये इस समस्या में योगदान देता है। एमिशंस के जो समस्याएं हैं जिसके वजह से ये सब मतलब कि होते हैं, मतलब ये मतलब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ठीक है, उसमें ये जो है इंडिया का ये कॉन्ट्रीब्यूशंस है। इट इज़ अनसरप्राइजिंग, अनसरप्राइजिंग मतलब कि प्रिडिक्टेबल है, यानी कि जिसको आप, ये कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है, ये प्रिडिक्टेबल है ये, ठीक है ना, मतलब इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। देयरफोर ये इट इज अनसरप्राइजिंग, ये कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं है, इसलिए दैट द क्लैमर, क्लैमर का मतलब हो हल्ला, यानी कि प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, ठीक है ना, ये जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है, किस लिए, या आवाजें उठती जा रही है किस लिए, फॉर इंडिया के लिए कि वो ज्वाइन करे, मतलब वो शामिल हो मेनी अदर बिग इकोनॉमिक्स, यानी कि बहुत सारे जो अन्य जो बड़े बड़े अर्थव्यवस्थाएं हैं या बड़े बड़े देश जो हैं उनमें इंडिया भी शामिल हो, और कमिट करे और वादा करे या प्रतिबद्ध करे अपने आप को नेट जीरो एमिशंस के प्रति, ठीक है ना, यानी कि जहां पर जो जीरो एमिशंस हो, मतलब कि कोई भी लोएस्ट पॉइंट ऑफ एमिशंस हो, यानी कि टू बैलेंस कार्बन एमिशंस, यानी कि कार्बन एमिशंस जो इंडिया के द्वारा एमिट किया जाता है, यानी कि उत्सर्जित किया जाता है कार्बन को, उसको किससे बैलेंस करे, विद देयर रिमूवल फ्रॉम द एटमोसफेयर, यानी कि उसके साथ साथ जो है इंडिया क्या करे, वातावरण से जो है कार्बन एमिशंस को जो है रिमूव भी करे, इस प्रोसेस से जो है वो बैलेंस करे इस पूरे मामले को,
बाय अ स्पेसिफिक डेट, एक विशिष्ट मतलब कि तारीख तक। एविडेंटली स्पष्ट रूप से मिस्टर कैरी ने चाहा एक्सप्लोर करना, ठीक है ना, एक्सप्लोर करना मतलब तलाशना, द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग नेशनल एम्बिशन, यानी कि जो नेशनल एम्बिशन है या राष्ट्रीय जो आकांक्षाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, ठीक है ना, तो उसको उठाने का या उसको बढ़ाने का एक तरीके से जो संभावनाएं हैं, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी जो है उसको एक्सप्लोर करना चाहा कैरी ने, ठीक है ना, मिस्टर कैरी ने, विथ द एश्योरेंस, इस आश्वासन के साथ, दैट द यूएस कि अमेरिका जो है परसुइंग मेजर ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स इन द पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप एरा। पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप एरा का मतलब समझिए, डोनाल्ड ट्रंप एरा मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के समय का, और पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप एरा का मतलब हो गया कि अभी जो बाइडेन के समय का, यानी कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं, तो अब जो जो बाइडेन के समय में जो है अब क्या कर रही है अमेरिका, वो परस्यू कर रही है, अपना रही है प्रमुख ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब क्लीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स को वो अपना रही है अमेरिका, और इस तरह जो है अमेरिका जो है वो क्या करेगी, सपोर्ट करेगी इस प्रकार के रोड मैप को, इस प्रकार की योजनाओं को, ठीक है ना। हिज मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन पॉजिटिव, उनकी जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वो बड़ा पॉजिटिव रहा है, सकारात्मक रहा है। इट वुड ऑफकोर्स रीअश्योर नॉट जस्ट इंडिया बट अदर इमर्जिंग नेशंस एज वेल, यानी कि यह जो है, ये जो मीटिंग हुई है और भी जो मतलब कि मिस्टर कैरी ने जो कहा है, ठीक है ना, उससे क्या होगा कि यह रीअश्योर करेगा, पुनः आश्वस्त करेगा न केवल भारत को बल्कि जो अन्य उभरते हुए जो राष्ट्र हैं उनको भी, एज वेल उनको भी, इफ द क्लाइमेट डिप्लोमेसी ऑफ द नॉर्थ का मतलब क्या हुआ कि जो ग्लोबल अगर देखेंगे, ग्लोब देखेंगे, यानी कि जो अगर पृथ्वी देखेंगे तो पृथ्वी के नॉर्थ और पृथ्वी के साउथ, ठीक है ना, यानी कि अर्थ के नॉर्थ और अर्थ के साउथ दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जितने भी देश हैं वो सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कहा जाता है नॉर्थ, ठीक है। तो इफ द क्लाइमेट डिप्लोमेसी, यानी कि ये इफ का मतलब जो है यहाँ पर की के सेंस में है, ठीक है ना, यानी कि कहा जा रहा है कि इट वुड ऑफकोर्स मतलब ये निश्चित रूप से जो है रीअश्योर करेगा न केवल इंडिया को बल्कि अदर इमर्जिंग नेशंस को भी, इफ द क्लाइमेट डिप्लोमेसी ऑफ द नॉर्थ अंडर द पेरिस एग्रीमेंट इज अंडरपिन्ड बाय फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर गारंटीज टू रिड्यूस एमिशन, यानी कि यदि ये जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी जो है, यानी कि जो कूटनीति जो क्लाइमेट वाली जो है नॉर्थ देशों की, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज की, ये जो कि किसके तहत है, पेरिस एग्रीमेंट के तहत है, पेरिस समझौता के तहत है, वो अगर क्या हो, इस अंडरपिंड, ये मतलब कि सपोर्ट किया जाए, इस मतलब ये आधारित हो एक तरीके से, ये स्ट्रेंथेन हो, मतलब अंडरपिन का मतलब होता है सपोर्ट करना या स्ट्रेंथेन करना, ठीक। अगर ये जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी जो है जो कि नॉर्थ का है, ठीक है ना, वो अगर अंडरपिन ये सपोर्टेड, ठीक है ना, इसे सपोर्ट किया जाए फंडिंग के द्वारा, पैसों के द्वारा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर गारंटीज के द्वारा, यानी कि जो नए नए टेक्नोलॉजी है डेवलप कंट्रीज के पास वो अगर ट्रांसफर करे डेवलपिंग कंट्रीज को जो, तो इसके द्वारा अगर ये सपोर्ट किया जाए, ठीक है ना, क्लाइमेट डिप्लोमेसी को टू रिड्यूस एमिशंस, यानी कि एमिशंस को कम करने के लिए। इफ क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट क्राइसिस टुडे द सॉल्यूशन रिक्वायर द यूएस एंड द यूके, यूरोप एंड अदर्स हु ऑक्यूपाइड द बल्क ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन बजट टू गिव अप फर्दर एमिशंस इन फेवर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड फंड द ट्रांजिशन। यदि क्लाइमेट चेंज जो है, ठीक है, यदि क्लाइमेट चेंज जो है अगर सबसे बड़ा क्राइसिस है टुडे, आज के दिन में, तो सॉल्यूशन, इसका समाधान जो है, इसके समाधान को जो है आवश्यकता है, यानी कि इसको जरूरत है कि मतलब इसके समाधान के लिए जो आवश्यक है वो क्या है, यूएस एंड यूके, यानी कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और यूरोप और जो अन्य देश हैं जो कि ये
वर्ल्ड कार्बन बजट का एक बड़ा हिस्सा को जो है वो ऑक्यूपाइड किए हैं, मतलब वो उनके हिस्से में है टू गिव अप, वो जो है वो गिव अप करे फर्दर एमिशंस, यानी कि और ज़्यादा एमिशंस करना जो है वो छोड़े इन फेवर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी कि डेवलपिंग वर्ल्ड के पक्ष में, एंड फंड द ट्रांजिशन, और ये जो बदलाव है, ये जो परिवर्तन है उसको फंड करे, ठीक है ना, उसको पैसे दे। इवन इफ इंडिया डज नॉट कमिट इट सेल्फ टू अ नेट जीरो डेडलाइन, भले ही, मतलब कि इवन इवन भले ही भारत जो है वो अगर कमिट नहीं करता है खुद को नेट जीरो डेडलाइन के लिए, यानी कि जो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट हो जाए या बिल्कुल जो है एमिशन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए उस डेडलाइन, मतलब समय सीमा के लिए वो जो है, अगर इंडिया खुद को कमिट नहीं करता है और प्रेफर्स करता है, पसंद करता है वेट करना, मतलब कि प्रतीक्षा करना फॉर द पोस्ट पैंडेमिक डेवलपमेंट पाथवेज टू बिकम क्लियर, यानी कि पैंडेमिक के बाद जो आने वाला जो डेवलपमेंट, जो घटनाएं हैं या घटनाओं का जो मार्ग है, ठीक है, डेवलपमेंट पाथवेज जो है वो क्लियर हो, यानी कि वो जो है स्पष्ट हो जाए, ठीक है ना, उसके लिए वेट करता है, ठीक है। इट कैन नॉट अफोर्ड, ये तो ये फिर भी जो है यह अफोर्ड नहीं कर सकता है इग्नोर करने की द इम्पैक्ट दैट इट्स प्रोजेक्ट डिसीजंस विल हैव ऑन द क्लाइमेट, जो इसके प्रोजेक्ट डिसीजंस का जो इम्पैक्ट होगा किस पर, क्लाइमेट पर, उस चीज़ को भी इंडिया जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है, यानी कि उसका जोखिम नहीं उठा सकता है, जैसे कि सच एज डिफॉरेस्टेशन, जैसे जंगल को काटना, ठीक है ना। एट द पीक ऑफ कोविड-19 लास्ट ईयर, अब मतलब कि पिछले साल जो है जब मतलब सबसे पीक आया था, मतलब सबसे उच्च स्तर पर जब था कोविड-19 का मामले, ठीक है ना, द सेंटर सो इट फिट, तो सेंटर ने समझा था इसे उपयुक्त टू प्रेस अहेड विथ इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, कि वो आगे बढ़े इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के साथ, यानी कि पर्यावरणीय मंजूरी के साथ वो आगे बढ़े सेंटर, दैट वुड हैव अ सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट, जिसका जो है एक सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर कोल प्लांट्स टू अडॉप्ट स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रपोज्ड ग्रोस डाइल्यूशन ऑफ नॉर्म्स टू असेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, इसने जो है एक्सटेंड किया था, आगे बढ़ा दिया था डेडलाइन को, यानी कि समय सीमा को, किसके लिए, कोल प्लांट्स के लिए, किस लिए, तो टू अडॉप्ट स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी कि कोल प्लांट्स को जो है जो अडॉप्ट करना होता, मतलब कि बहुत ही सख्त पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण की जो का जो नियम है उसको जो है उस नियम को अपनाने के लिए जो कोल प्लांट्स को जो डेडलाइन दी गई थी उसको सेंटर ने जो है उसको एक्सटेंड कर दिया, एंड प्रपोज्ड, और प्रस्ताव रखा या सुझाव, मतलब कि सुझाया किस चीज़ को, ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब यहाँ टोटल नहीं होगा, यहाँ अनएक्सेप्टेबल, यानी कि जिसको स्वीकार न की जा सके, डाइल्यूशन मतलब होता है कमजोर करना, ऑफ नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब मापदंड या मानदंड टू एसेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये जो परियोजना है उसका जो पर्यावरणीय जो प्रभाव होगा उसको आंकने का जो भी मापदंड है, जो भी मानदंड है उसको अस्वीकार्य रूप से जो मतलब कि कमजोर किया गया, ठीक है ना, उसको सुझाया गया सेंटर के द्वारा, ठीक है ना, प्रपोज किया गया। फ्यूल प्राइस एट हिस्टोरिक हाइज ड्यू टू टैक्सेशन, अब देखिए ये जो फ्यूल प्राइसेस है, जो तेल की कीमतें हैं, एट हिस्टोरिक हाइज, मतलब एक अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर है टैक्सेशन के वजह से, कर के वजह से, यह भी जो है पे नो स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल डिविडेंड, यानी कि ये जो है कोई विशिष्ट पर्यावरणीय लाभांश नहीं पे करता है, भुगतान नहीं करता है, एंड द पुअरेस्ट आर वर्स्ट बाय इट्स इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स, और दूसरी तरफ जो है जो पुअरेस्ट मतलब सबसे कमजोर, सबसे गरीब जो है वो सबसे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं बाय इट्स इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स, इसके जो मुद्रास्फीति, इसके जो महंगाई के जो प्रभाव हैं, जो इफेक्ट्स है उसके वजह से। व्हाट इंडिया शुड बी डूइंग इन द रन अप टू द यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन ग्लासगो शेड्यूल्ड लेटर दिस ईयर इज टू कम अप विथ अ डोमेस्टिक क्लाइमेट प्लान दैट एक्सप्लेन टू इट्स टू द सिटीजन्स हाउ इट विल ब्रिंग
ग्रीन डेवलपमेंट इन दिस डिकेड। व्हाट इंडिया, व्हाट मतलब यहाँ क्या नहीं, या व्हाट के मतलब जो इंडिया को करना चाहिए इन द रन अप टू द यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन ग्लासगो, यानी कि ग्लासगो में जो कि इस साल के अंत में निर्धारित है। तो ग्लासगो में जो ये यूएन कन्वेंशन यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो एक सम्मेलन होगा क्लाइमेट चेंज पर, उसके पहले, ठीक है, रन अप मतलब उसके पहले इंडिया को क्या करना चाहिए, वो मतलब कि जो करना चाहिए वो है क्या, इज टू कम अप, कि इंडिया को आना चाहिए किसके साथ, एक डोमेस्टिक क्लाइमेट प्लान के साथ, एक घरेलू जलवायु योजना के साथ आना चाहिए इंडिया को सामने, जो एक्सप्लेन करेगा, जो बताएगा अपने सिटीजन्स को कि हाउ इट विल, यानी कि हाउ इंडिया विल ब्रिंग ग्रीन डेवलपमेंट, कैसे इंडिया जो है एक ग्रीन या क्लीन डेवलपमेंट लेकर आएगा इन दिस डिकेड, इस दशक में, स्पेसिफाइंग अ टारगेट बाय सेक्टर फॉर ईच ईयर। और ये जो है स्पेसिफाई करेगा एक मतलब कि उसको बताएगा या लक्ष्य निर्धारित करेगा बाय सेक्टर, मतलब कि एक एक सेक्टर का प्रत्येक साल, यानी कि प्रत्येक साल जो है एक सेक्टर को एक मतलब के लिए टारगेट निर्धारित करेगा या स्पेसिफाई करेगा। दिस वुड अलाइन इंटरनल पॉलिसीज, ये जो है ये मैच करेगा, अलाइन मतलब मैच करना या अलाइन मतलब मेल खाना, ठीक है ना, ये मेल खाएगा किस चीज से, इंटरनल पॉलिसीज से विद द जस्टिफिएबल डिमांड, ठीक है ना, यानी कि ये जो है ये मेल करवाएगा किसका, इंटरनल पॉलिसीज का, यानी कि जो आंतरिक पॉलिसी है इंडिया का, विथ जस्टिफेबल डिमांड यानी कि न्यायोचित मांग के साथ इसको मेल करवाएगा, जो रिच कंट्रीज रखते हैं या मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, दैट रिच कंट्रीज अपहोल्ड द प्रिंसिपल इंस्ट्राइंड इन यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज को लेकर, ठीक है ना, ये जो सम्मेलन है उसमें जो निहित या उसमें जो निर्दिष्ट जो सिद्धांत हैं उसको मेंटेन करता है मतलब रिच कंट्रीज, ठीक है ना, तो उस सिद्धांत को जो कि एक जस्टिफेबल डिमांड है उसको जो है इंटरनल पॉलिसी के साथ मेल करवाना, ठीक है ना, ये सिद्धांत क्या है भाई, ये प्रिंसिपल ऑफ क्या है, ये प्रिंसिपल जो है यहाँ पर सीधे जुड़ गया ऑफ से, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि एक तो कॉमन होगा, आम होगा, सबके लिए एक ही होगा, बट डिफ्रेंशिएटेड लेकिन सबके लिए अलग अलग भी होगा, यानी कि डिफ्रेंशिएटेड इसलिए होगा क्योंकि अगर कोई देश जो कि विकसित देश है तो ऑब्वियस है कि वो जो है कार्बन मतलब कि एमिशंस जो है वो ज़्यादा करेगा, और जो अंडर डेवलप्ड है या जो डेवलपिंग देश है वो कम करेगा, तो सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो अलग अलग होंगे ना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होंगे ही होंगे, यानी कि वो कॉमन होगा लेकिन होगा डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि वो जो है एक समानता बना सके। टैक्सिंग लग्जरी एमिशंस, यानी कि लग्जरी एमिशंस कैसे होता है, जैसे आप फ्रीज व्यवहार कर रहे हैं या आप कह सकते हैं फ्रीज एसी या महंगी कार आप व्यवहार कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है एमिशंस जो होते हैं, ठीक है ना, जो भी प्रदूषण मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस होता है, तो उसको टैक्स करना यानी कि उस पर कर लगाना, वेदर इट इज कार, चाहे वो कार हो, चाहे एयर कंडीशनर हो, चाहे बिग प्रॉपर्टीज हो, या एविएशन हो यानी कि हवाई जहाज के सफर जो है, या फॉर स्पेसिफाइड ग्रीन डेवलपमेंट आउटकम्स, ठीक है ना, यानी कि एक विशिष्ट ग्रीन डेवलपमेंट आउटकम्स के लिए यानी परिणाम के लिए, विल सेंड आउट अ कन्विंसिंग मैसेज, ये जो है एक विश्वसनीय संदेश भेजेगा, ठीक है। तो दोस्तों एडिटोरियल वहीं समाप्त हुआ, अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।